एलेक्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस जूम मीटिंग में। और पूरे देश भर से बहुत सारे लीडर्स ज्वाइन किए और ज्वाइन लगातार कर रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ सबके चेहरे पे बहुत सारा स्माइल है, क्योंकि मुझे पता है कि फील्ड से बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आप लोगों को मिल रहा है प्रोडक्ट का, प्लान का, और लगातार पूरे देश में जो वेदालेक्स का है वो डंका बज ही रहा है। हर तरफ वेदालेक्स का जो झंडा है वो आप लोग गाड़ रहे हैं, और फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से मैं देख रहा हूँ कि काफी मेहनत आप लोग कर रहे हैं, घर से बाहर निकल चुके हैं और जगह जगह पे जाके टीम बनाना, एडीएस खुलवाना, एटीएस खुलवाना, लोगों को ज्वाइन कराना, मीटिंग करना, और पूरा देश में मतलब ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ वेदालेक्स का ही जलवा है सब तरफ, है ना। मतलब कुछ तो और दिखाई नहीं देता, हर तरफ सिर्फ वेदालेक्स दिख रहा है, और ये सब जो है आप लोगों के मेहनत का नतीजा है, और इतना शानदार अचीवमेंट लोगों के आ रहे हैं, इतना शानदार लोग प्राउड बना रहे हैं, और बहुत ही कम समय में जो सक्सेस आप लोगों को मिल रहा है देख के बहुत दिल खुश हो जाता है, और लग रहा है कि अगला एक साल तो अभी 6 साल हो गया, लेकिन 1 साल हमारा हुआ है, और 1 साल में बहुत कुछ हो गया है, और अगला 1 साल जो होगा वो बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक वेदालेक्स के लिए होगा, और बहुत बड़े बड़े जो है परचम लहराए जाएंगे, बहुत बड़े बड़े इतिहास बनाए जाएंगे, बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट निकाले जाएंगे, ये हम लोगों को पक्का यकीन है जिस तरीके से आप लोग मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, और आज का जो टॉपिक है जूम, जैसे आप लोगों को पता है कि जो जूम है वो लगातार वेदालेक्स के तरफ से हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों को एजुकेट करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं, और पिछला सप्ताह बहुत सक्सेसफुल रहा, काफी सारे लोगों ने बेनिफिट लिया है। डॉक्टर साहब का 2 दिन का प्रोग्राम रहा, मेरा 1 दिन का था, कुणाल जी का 1 दिन था, शैलजा मैम का 1 दिन का था, और उसी कड़ी में ये सप्ताह का भी शुरुआत हो चुका है, और आज पहला दिन जो आज का टॉपिक है वो है वेदालेक्स बिजनेस प्लान। तो आज मैं आप लोगों से जो चर्चा करने वाला हूँ कि वेदालेक्स का बिजनेस प्लान क्या है, कैसे पैसा आता है, क्या हमें करना होता है, और बहुत सारी जो बेसिक चीजें हैं, बहुत सारी बारीकी बारीकी जो है बिजनेस प्लान के अंदर, उसके ऊपर मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इस मीटिंग में बहुत सारे पुराने लीडर्स जुड़े हुए हैं, और लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लीडर्स जुड़े होंगे जिनका अभी कुछ दिनों पहले ज्वाइनिंग हुआ होगा, कुछ दिनों से लोग काम कर रहे होंगे, और बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होगा, लेकिन हाँ अच्छा लगा आप लोगों को वेदालेक्स प्रोडक्ट, अच्छा लगा बिजनेस प्लान भी जितना समझे अच्छा लगा, और आप लोगों ने डिसीजन लिया, वेदालेक्स में अपना शुरुआत कर चुके हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि वेदालेक्स में किस तरीके से पैसा आता है, किस तरीके से हम कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताऊं कि बिजनेस प्लान से पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि जो वेदालेक्स का बिजनेस प्लान है ना, इसमें कुछ खास बात का ध्यान रखा गया। खास बात का ध्यान का मतलब समझिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर आप लोगों को ये बोलते हुए सुने होंगे कि 3 साल टिक जाओ, 4 साल टिक जाओ, 5 साल टिक जाओ, फिर पैसा आएगा, है ना, तब लाखों रुपया आएगा। लेकिन एक बात बताइए कि हमारे देश में जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, क्या उनके अंदर 3 साल रुकने का पेशेंस है? क्या घर वाले मानेंगे? क्या बच्चों का फीस जाएगा, घर का राशन आएगा, आपके खर्चे चलेंगे? क्या सच में हम 3 साल वेट कर पाएंगे? नहीं। ये जो विकसित कंट्री है ना, अमेरिका जैसे देशों में जहां पे लोगों के पास मल्टी सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग एक सोर्स ऑफ इनकम होता है, वो डिपेंडेंट नहीं होते हैं। लेकिन आज हमारे देश में जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं देखता हूँ लोगों को, कि बहुत सारे लोग हैं जो फुल टाइम में काम करते हैं, या फिर लोगों का इनकम इतना कम होता है, जो जो एक्चुअल जो आते हैं ना वो इनकम के लिए आते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। तो हम लोगों ने एक खास चीज पे ध्यान दिया है कि हमारे बिजनेस प्लान में नीचे के लेवल पे इतना शानदार हम लोगों ने रॉयल्टी डाला है, इतना शानदार हमने बिजनेस प्लान को डिजाइन किया कि नीचे के लेवल पे बहुत अच्छा पैसा आता है। यानी कि हमारा सोच क्या है, हमारा सोच है कि कोई भी व्यक्ति अगर वेदालेक्स में ज्वाइन करता है, तो हमारा मानना है कि 1 2 3 महीना काम करके उसके जो बेसिक खर्चे हैं, घर के जो खर्चे हैं, 10 20 25 30 50 हजार रुपए के जो खर्चे हैं, उसको कमाने के लिए 3 साल का इंतजार ना करना पड़े, बल्कि 2 3 महीने के अंदर वो इनकम उनको आना चालू हो जाए, जिससे कि वो अपने घर को चला सके, अपनी छोटी मोटी जरूरतें, अपने बेसिक चीजों को वो पूरा कर सके, है ना। क्योंकि अगर आपका घर नहीं चलेगा, आपका गाड़ी नहीं चलेगा, तो आप बिजनेस में टिकेंगे कैसे?
तो बहुत सुंदर ढंग से हमने बिजनेस प्लान को डिजाइन किया, जिसमें कि आपको 10-20 हज़ार रुपया कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, नीचे नीचे लेवल पे ही वो इनकम हम लोगों ने डाला है। और ऊपर के लेवल पे तो पैसा डाला ही गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो लोग ग्लोबल स्टार हमारी कंपनी में बने हैं उनका 15-15 लाख रुपए का पे आउट चल रहा है महीने का। तो ऊपर के लेवल पे भी लाखों का इनकम है और नीचे के लेवल पे भी एक ऐसा इनकम है जिससे कि लोग कंटिन्यू इस बिजनेस के साथ हमारे साथ जुड़ के और लगातार काम कर सके, है ना। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम लोगों ने बिजनेस प्लान को डिजाइन किया है और किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से यहाँ पे पैसा आता है। तो एक पीपीटी में पीपीटी के माध्यम से मैं आपको बिजनेस प्लान दिखाता हूं। आइए, बहुत बहुत स्वागत है वेदालेक्स के बिजनेस प्लान में आप सबका। और जैसे कि आपको पता है कि वेदालेक्स में ज्वाइन करने के लिए हमें किसी भी तरीके का कोई ज्वाइनिंग अमाउंट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाइडलाइन के अनुसार कोई भी डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइनिंग के नाम पे पैसा नहीं लिया जा सकता। तो हमारा जो ज्वाइनिंग है वो बिल्कुल फ्री है। जैसे आप वेदालेक्स में ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट के ऊपर एसोसिएट प्राइस पे लगभग एमआरपी पे लगभग 40 से 50% तक का आपको यहाँ पे रिटेल प्रॉफिट मिलता है ना। तो किसी भी प्रोडक्ट का एक एमआरपी होता है, उसका एक एआर प्राइस होता है और उसके ऊपर बिजनेस वॉल्यूम होता है। बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है कि कितना पैसा कंपनी बांटती है उस प्रोडक्ट के ऊपर, उस पैसे को यहाँ पे बिजनेस वॉल्यूम का नाम दिया गया है और बिजनेस वॉल्यूम के आधार पे पैसा बांटा जाता है। तो हमारी कंपनी में बिजनेस वॉल्यूम का 108% पैसा कंपनी बांटती है, यानी कि जो भी बीवी है, अगर किसी प्रोडक्ट पे 10 बीवी है तो 10 बीवी के ऊपर 106% पैसा कंपनी बांटती है। तो हमारा जो बिजनेस प्लान है, ये बिजनेस प्लान को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड प्लान। हाइब्रिड प्लान का मतलब है कि इसमें आप मल्टी लेग आपको खोलने की जरूरत नहीं है, दो लेग में ही आप जनरेशन प्लान का यहाँ पे मजा ले सकते हैं। यानी जेनरेशन प्लान, जिस तरीके से लोग बोलते हैं जेनरेशन प्लान बहुत ही स्टेबल प्लान होता है, सालों साल चलने वाला, लाइफ टाइम वाला, तो हम लोग यहाँ पे जेनरेशन प्लान के रूप में हमने बिजनेस प्लान को डिजाइन किया। और जेनरेशन प्लान मतलब कि कंपनी के टर्नओवर पे पैसा बांटा जाता है, लेकिन जो बिजनेस प्लान है वो सिर्फ दो लेग के ऊपर है। जो भी बिजनेस आप करेंगे सिर्फ दो लेग के अंदर ही सारा बिजनेस करेंगे। तो दो टीम आपका बनेगा, टीम 1 टीम 2। एक मिनट, जो बिजनेस प्लान है वो दो लेग पे चलता है। दो लेग में अगर आपका टोटल बिजनेस वॉल्यूम 1,000 हो जाता है, पर्सनल प्लस दोनों टीम जोड़ के, तो कंपनी में आपका प्रॉफिट लेवल 8% हो जाता है। यानी कि 1,000 बीवी के ऊपर 8%, 80 रुपए का पेमेंट यहां पे बनता है। बिजनेस एक्यूमुलेटिव चलता है, जुड़ते हुए चलता है। तो 1,000 से जुड़ते हुए जब आपका बिजनेस वॉल्यूम 8,000 बीवी हो जाता है पूरे ग्रुप का, पूरे टीम का, तो यहाँ पे आपका जो लेवल है वो 15% हो जाता है। और उसके बाद जुड़ते हुए 17,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है तो आपका लेवल यहाँ पे 21% हो जाता है। और इसी तरीके से जुड़ते हुए नो टाइम लिमिट कभी भी 35,000 बिजनेस वॉल्यूम आपका हो जाता है पूरे ग्रुप में, तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट लेवल 27% होता है। यानी कि 27% का आप यहाँ पे इनकम ले पाते हैं टीम से डिफरेंस का, और पर्सनल में पूरा 27%। और जैसे आप 35,000 बिजनेस वॉल्यूम कर लेते हैं, कंपनी में आपको एक लेवल मिल जाता है, उस लेवल का नाम है फ्यूचर स्टार, है ना, फ्यूचर स्टार। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 8,000 बीवी पे हम लोगों ने एक बूस्टर रॉयल्टी डाला है 3%, 17,000 बीवी पे भी 3% और 35,000 बीवी पे भी 3%। तो ये 3% जो बूस्टर रॉयल्टी है ये कंपनी टर्नओवर का निकाला जाता है, और जितने लोग 8,000, 17,000 और 35,000 बिजनेस वॉल्यूम के लेवल पे होते हैं उनके अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो आगे का स्लाइड में हम लोग इसको डिटेल्स में जानेंगे कि ये 3% हमें कैसे मिलता है, इसके लिए हमें क्या करना होता है। तो अभी तक आप जो देखे हैं वो फ्यूचर स्टार कैसे आप बन सकते हैं, और फ्यूचर स्टार में 27% का यहाँ पे आपको प्रॉफिट लेवल मिलता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे मैं बूस्टर रॉयल्टी बताने से पहले एक कंपनी का एक बहुत बढ़िया सुंदर हमारा एक ऑफर चलता है, 1100 बीवी, है ना, 1100 बीवी। तो
जैसे कि कोई आदमी यहाँ पे जुड़ता है तो कितना भी बिजनेस वो कर सकता है, कितना भी प्रोडक्ट ले सकता है, लेकिन हम लोगों ने एक 1100 बीबी का एक हम लोग कैंपेनिंग चलाते हैं, हम लोग प्रेरित करते हैं लोगों को, मोटिवेट करते हैं कि हर व्यक्ति यहाँ पे अगर जुड़ा है वेदालक्स में तो 1100 बीबी का पर्सनल खरीदारी जरूर करें। क्यों करें? क्योंकि 1100 बीबी खरीदने से आपको कई तरह के एडवांटेज मिलते हैं, कई तरह से एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति यहाँ पे जुड़ता है, जुड़ने के बाद 1100 बीबी का प्रोडक्ट वो लगातार 3 महीना खरीदता है, तो उसके जो भी लेवल होंगे, जो भी बेनिफिट्स होंगे वो तो होंगे, लेकिन कंपनी के तरफ से कंपनी उनको 2 लाख रुपया का एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस करा के देती है ना। ये किसी इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से इंश्योरेंस होगा, उसका प्रीमियम कंपनी देती है, और ये 2 लाख रुपया का एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस जो बेनिफिट है ये उस एसोसिएट को मिलता है। तो ये 1100 बीबी करना होता है। ये करने के लिए जिस महीना आप ज्वाइन करते हैं उस महीना पूरा महीना समय होता है, पूरे महीने में कभी भी खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट मंथ से इसको खरीदने का जो लास्ट डेट होता है वो 15 तारीख होता है। 15 तारीख से पहले ही आपको 1100 बीबी खरीदना होता है। अब नेक्स्ट है कि आपने 3 महीना खरीदारी कर लिया, 3 महीने के बाद आप आगे भी लगातार खरीदारी कर रहे हैं और 9 महीना खरीद लेते हैं, यानी टोटल मिला के टोटल 12 महीना आप 1100 बीबी करके खरीदते हैं, तो आपको कंपनी 3 दिन 2 रात का एक नेशनल ट्रिप फ्री देती है ना। आपका क्या लेवल है, आपका कितना बड़ा टीम है, आप कितना बिजनेस किए हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप क्या पर्सनल 12 महीने तक 1100 बीबी खरीदारी किए? यस, अगर आपने खरीदारी किया है तो आपको 3 दिन 2 रात का एक नेशनल ट्रिप मिलता है, जिसमें कि आपको गोवा, शिमला, मनाली, जयपुर ऐसे कोई भी एक टूरिस्ट प्लेस में कंपनी लेके जाती है, जहां पे होटल, रहना, खाना, घूमना और ट्रेनिंग ये सब कुछ कंपनी की तरफ से आपको फ्री मिलता है। तो ये बहुत शानदार ऑफर है। और जो सबसे नीचे वाला इंटरनेशनल ट्रिप है ये अभी ये बंद कर दिया गया है, इसके जगह पे इंटरनेशनल ट्रिप जो है एक अलग नए तरीके से दिया गया है, उसको मैं आगे समझाऊंगा। तो ये 1100 बीबी का बेनिफिट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बूस्टर रॉयल्टी। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि 8000 बीबी की करने पे 3% का बूस्टर रॉयल्टी मिलता है। इसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए क्या है कि आपको पर्सनल 1100 बीबी करने हैं और आपके दो टीम, टीम वन और टीम टू में 3500 और 3500 बिजनेस वॉल्यूम पूरे टीम से करना होता है। ये जब आप करते हैं तो आपका टोटल जो बिजनेस होता है वो 8100 बीबी होता है, 8100 बीबी होता है, और इसको करने का जो लास्ट डेट होता है वो होता है 15 तारीख, यानी कि 15 तारीख से पहले आपको ये क्राइटेरिया में आपको बिजनेस करना है। लेकिन जिस महीना आप ज्वाइन करते हैं उस महीना 15 तारीख तक का कंडीशन नहीं होता है, पूरा महीना आप कर सकते हैं, ज्वाइनिंग मंथ में पूरा महीना आप कर सकते हैं, नेक्स्ट मंथ से आपको 15 तारीख से पहले करना होता है। तो जैसे आप ये बिजनेस कर लेते हैं 8100 बीबी इस तरीके से, तो आपका लेवल 15% हो जाता है। और यहाँ पे एक इनकम कैलकुलेट करके दिखाया गया है एक लम सम में, कि जैसे आप 1100 पर्सनल बीवी करते हैं, आपका लेवल 15% होता है, तो आपको 165 रुपया उसका कमीशन बनेगा। डिफरेंस आपका दो टीम में 3500 बीवी होता है, उनका लेवल 15%, तो 7% कमाएगा। तो ये डिफरेंस इनकम 7000 बीवी का 7% 490 रुपया होगा। और बूस्टर रॉयल्टी ये फ्लक्चुएट करता है हर महीना, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे होता है, अप्रोक्स 3% 1000 रुपया लिया गया है अप्रोक्स। तो इसको अगर टोटल कैलकुलेट करते हैं तो ये लगभग 1655 रुपया आता है ना। तो मॉड्यूल वन में 1655 रुपये का एक इनकम हम लोगों ने आपको लम सम अप्रोक्स में दिखाया है, लेकिन इसमें 15 सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स आपको 25 तारीख से पहले करना होता है। इसका क्राइटेरिया है 1100 पर्सनल बीबी आपको करने हैं और दो टीम में 8000 8000 बीबी करना है 25 तारीख तक। ये अगर आप कर लेते हैं तो आपका लेवल 21% होता है और बूस्टर रॉयल्टी मॉड्यूल टू आप यहाँ पे अचीव कर लेते हैं। यहाँ पे परफॉर्मेंस बोनस 1100 बीबी का 21% 231 रुपया, डिफरेंस इनकम 16000 बीबी का 6% 960 रुपया, और बूस्टर रॉयल्टी मॉड्यूल टू का 3% अप्रोक्स 1800 रुपया, इसको जोड़ेंगे तो मिनिमम लगभग 3000 के आसपास ये इनकम आता है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि ये इनकम 3000+ ही अभी तक लोगों को मिल रहा है, 3500 3500 4000 तक लोग यहाँ पे बहुत आसानी से ले रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने एक लमसम इनकम दिखाया 3000 रुपया, एक आइडिया के लिए कि अगर आप मॉड्यूल टू करते हैं तो कितना पेमेंट आ सकता है। तो दोस्तों आप सोचिए कि मात्र 8000 8000 बीवी करके आप यहाँ पे 3000 रुपया का इनकम ले सकते हैं। नेक्स्ट बूस्टर रॉयल्टी थ्री है ना, मॉड्यूल थ्री, इसको आप क्लोजिंग तक कर सकते हैं 30 या 31 तारीख, या क्लोजिंग अगर 1-2 तारीख तक एक्सटेंड होता है तब तक ये मान्य होता है। इसमें आपको 1100 पर्सनल बीबी करने होते हैं
और आपके दोनों टीम में 17,000 और 17,000 बिजनेस वॉल्यूम करने होते हैं। ये जब आप टोटल करते हैं तो 35,100 भी होता है आपका लेवल 27% और आप यहाँ पे फ्यूचर स्टार बन जाते हैं। यहाँ पे अगर इनकम कैलकुलेशन देखें तो परफॉर्मेंस बोनस आपका 1100 बीबी का 27% 297 रुपया, 17 × 34,000 बीबी का 6% डिफरेंस इनकम 2040 रुपया, और बूस्टर रॉयल्टी मॉड्यूल 3 अप्रोक्स 3800 रुपया है ना, ये अप्रोक्स है 3800 रुपया। तो इसको अगर टोटल हम कैलकुलेट करके देखें तो ये 6200 रुपए के आसपास का एक इनकम यहाँ पे जनरेट होता है, यानी कि मॉड्यूल 3 कंप्लीट करके आप यहाँ पे 6-7-8 हजार रुपए का इनकम लमसम में ले सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही शानदार इनकम नीचे लेवल पे कंपनी ने आप लोगों को दिया है कि नीचे छोटा 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 बिजनेस करके भी आप एक ठीक ठाक इनकम यहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक और कंपनी ने अच्छा चीज आप लोगों के लिए कर दिया है। कई बार क्या होता है कि हम 1100 बीबी तो कर लेते हैं, एक टीम में 17,000 हो गया और दूसरे टीम में किसी वजह से 15,000-16,000 हुआ, 17,000 कंप्लीट नहीं हो पाया किसी भी लेवल पे, चाहे वो मॉड्यूल 1 हो, मॉड्यूल 2 हो, मॉड्यूल 3 हो। तो अगर एक लेग में आपका बिजनेस कंप्लीट हो जाता है और दूसरे लेग में कुछ बिजनेस कम पड़ जाता है, तो जितना बिजनेस आपका कम पड़ा उतना बिजनेस अगर आप पर्सनल आईडी पे डाल लेते हैं तो आपका वो मॉड्यूल कंप्लीट हो जाता है और वो पर्सनल जो आपने एक्स्ट्रा डाला वो आपका दूसरे लेग जिसमें कम हो रहा है बिजनेस वॉल्यूम उसमें वो कैलकुलेट करके कंपनी आपके उस लेवल को कंप्लीट करा देती है। फॉर एग्जांपल कि मॉड्यूल 3 का बात करें, आप 1100 बीबी कर लिए, एक तरफ आपका 17,000 बीबी हो गया और दूसरे तरफ आपका 15,000 बीबी हुआ, तो 2,000 बीबी कम हो गया, तो ये 2,000 बीबी को आप पर्सनल डाल लेते हैं, यानी 1100 प्लस 2,000 3100 बीबी पर्सनल करते हैं, तो आपका मॉड्यूल 3 कंप्लीट हो जाता है और आपको यहाँ मॉड्यूल 3 का चीज को आप ध्यान में रखिएगा, कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। 1100 प्लस जो बीवी कम पड़ रहे हैं वो आप पर्सनल में डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग एक गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं कि 1100 पर्सनल कर लेते हैं, एक टीम में टोटल बीवी डाल देते हैं 17,000-8,000 या 3,500 और दूसरा लेग में जीरो बीवी रखते हैं, जीरो। तो जीरो बीवी अगर आपका दूसरे लेग में होता है तो आपका दूसरा लेग काउंट ही नहीं होता है। कई लोग बोलते हैं कि सर मैं 17,000 डायरेक्ट पर्सनल डाल लूं क्या? दोस्तों आप डाल सकते हैं लेकिन आपका दूसरा जो लेग होता है ना उसमें कुछ ना कुछ बीबी आना जरूरी होता है, यानी कि दूसरा लेग एक्टिव होना जरूरी है, चाहे 100 बीबी से हो, 500, 1,000, 2,000 कुछ भी बिजनेस सेकेंड लेग में आना चाहिए और उसके बाद जो बचता है उसको आप पर्सनल डाल लेते हैं तो आपका वो मॉड्यूल कंप्लीट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये तीनों मॉड्यूल को आप लोग समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब यहाँ पे कंपनी कुछ ऑफर दे रही है, बहुत शानदार ऑफर। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि 1100 पर्सनल बीबी लगातार 3 महीना करते हैं तो कंपनी आपको 2 लाख रुपया का एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस करा के देती है 3 महीने के बाद। इंश्योरेंस मिलता है। नेक्स्ट मॉड्यूल 1 है ना और मॉड्यूल 2, जैसे कि आपको मैं बता चुका हूं कि 1100 बीबी और 3500-3500 आप करते हैं तो मॉड्यूल 1, 1100 बीबी और 8000-8000 करते हैं तो मॉड्यूल 2। इसके ऊपर कंपनी ने आपको एक बहुत शानदार ऑफर दिया है और ये ऑफर का लास्ट मंथ चल रहा है, ये लास्ट मंथ मतलब अक्टूबर तक के लिए है, जुलाई से अक्टूबर तक के लिए था। अगर आप 2000 पर्सनल बीबी करते हैं और दोनों लेग में दोनों टीम में आप 5000 और 5000 ग्रुप बीबी करते हैं है ना, 3500 के जगह 5000 और 1100 के जगह 2000, अगर आप ये कंप्लीट करते हैं तो कंपनी यहाँ पे आपको 3000 रुपया एमआरपी का एक बायोमैग्नेटिक जो ब्रेसलेट है ये एकदम फ्री देती है। तो यहाँ पे गिफ्ट के तौर पे आप एक ब्रेसलेट 3000 रुपए का कंपनी से फ्री ले सकते हैं। आपको करना क्या है, 2000 पर्सनल बीबी और 5000-5000 दोनों टीम में, और ये 15 तारीख तक आपको करना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये लास्ट महीना चल रहा है, अक्टूबर में इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें, जो मॉड्यूल 2 हमें करना होता था 1100, 8000 और 8000, तो 1100 के जगह पर्सनल पे आप 2000 बीवी करते हैं और दोनों टीम में 11000 आप बीवी करते हैं है ना, 8000 के जगह 11000 करते हैं, ये करते हैं आप 25 तारीख तक, तो 8000 रुपए का रिस्ट वॉच, बायोमैग्नेटिक रिस्ट वॉच जो है कंपनी की तरफ से ये आपको फ्री मिलता है। तो इसका भी लास्ट मंथ चल रहा है अक्टूबर और इस महीना आप इसको अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर आप बहुत बड़ा प्लानिंग कर लीजिए, अपने पूरे टीम को इसका इन्फॉर्मेशन दे दीजिए ताकि आपके टीम के लोग भी इसका बेनिफिट ले सके। आइए आगे बढ़ते हैं, और ये एक ऑफर है, ये 3 महीने के लिए था तो अभी आप इसको अवेल नहीं कर पाएंगे, ये भी अभी नहीं कर पाएंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं हम लोग,
जो 1100 BV 12 महीना करके आपको नेशनल ट्रिप मिलता है, जो मैं आपको बता दिया हूँ, 2 नाइट 3 डेज का, तो ये आप ले सकते हैं। ये लेने का जो टाइम है वो 15 तारीख तक होता है, लेकिन जो आदमी इस महीना ज्वाइन किया है तो उसके लिए पूरा महीना का टाइम होता है, और ये लगातार 12 महीना आप करके ले सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर स्टार के बाद हमारे और 8 लेवल होते हैं, सुपर शाइनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, वेगा स्टार, स्कॉर्पियन स्टार, रीगल स्टार, यूनिवर्सल स्टार, लियो स्टार और ग्लोबल स्टार। तो एक एक करके देखते हैं कि ये लेवल को लेने के लिए आपको क्या करना होता है और इस लेवल पे अप्रोक्स क्या इनकम आप कमा सकते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे सुपर साइनिंग पहला जो लेवल है हमारा फ्यूचर स्टार के बाद, तो सुपर साइनिंग लेवल में क्या होता है कि आपको दो टीम में 35,000 और 35,000 BV करना होता है, पर्सनल 1100 BV और दो टीम में 35,000 और 35,000। तो आप यहाँ पे जो ग्राफ देख रहे होंगे, इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि 4 लोग हैं, है ना, आपके 4 डायरेक्ट हैं, जिसमें एक डायरेक्ट में 35,000 है और 3 लोगों का जोड़ के 35,000 है। आप चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों का कहना है कि अगर आप 3 लोगों का बिजनेस जोड़ के 35,000 करते हैं, तो ये 3 लोगों को अलग अलग ज्वाइन कराने से बढ़िया है, क्यों ना 35,000 BV जो लाना है हमें, तो एक के नीचे एक डाल दे, ताकि नीचे वाले का बिजनेस का बेनिफिट ऊपर वाले को भी मिल जाए। यानी कि अगर आप दो टीम से भी 35,000 और 35,000 करते हैं, तो आपका ये सुपर साइनिंग क्वालिफाई हो जाता है। तो ऐसे मल्टीपल लेग खोलने की जरूरत नहीं है, आप दो लेग में भी 35,000 करके ये सुपर साइनिंग का लेवल को अचीव कर सकते हैं। तो सुपर साइनिंग लेवल जब आप अचीव करते हैं, तो आपका प्रॉफिट लेवल 31% होता है, 31%। जैसे कि आपको पता है कि 35,000 BV पे फ्यूचर स्टार होता है 27% का लेवल होता है, लेकिन आपका 31% हो जाएगा, तो 4% का डिफरेंस इनकम यहाँ पे बनता है। तो इसमें क्या क्या इनकम आपको मिलता है, इसको एक बार कैलकुलेट करके हम लोग देखें। तो परफॉर्मेंस बोनस 1100 BV आपने पर्सनल किया, उसका 31% 341 रुपया आएगा। डिफरेंशियल इनकम, डिफरेंस इनकम नीचे 70,000 BV हुआ दोनों टीम से जोड़ के, तो इसका 4% डिफरेंस आएगा, 2800 रुपया। लीडरशिप बोनस यहाँ पे 5 जनरेशन का मिलेगा, 5 डेव तक मिलेगा, 5 एक्टिव डेव तक मिलेगा। और इसको मैं थोड़ा बैक करके दिखाऊं, जैसे सुपर साइनिंग है तो 5 डेव में आपको कैसे मिलता है, फर्स्ट डेव से 7%, सेकेंड से 3%, थर्ड से 2%, फोर्थ से 2% और फिफ्थ से 1%। तो ये टोटल 7, 3, 10, 2, 12, 2, 14, 1, 15, ये टोटल 15% का यहाँ पे लीडरशिप बोनस आपको सुपर साइनिंग पे दिया जाता है। ऐसे देखा जाए तो लीडरशिप बोनस टोटल कंपनी 21% बांटती है। तो शूटिंग स्टार पे भी 5 डेव तक मिलेगा और वेगा स्टार है आपको ये टोटल 13 डेव तक ये बेनिफिट आपको मिलता है लीडरशिप बोनस का। तो यहाँ पे जो लीडरशिप बोनस है ये अप्रोक्स 2450 रुपये आपको बनेगा। ट्रेवलिंग फंड 3%, ये 700 रुपये बनेगा, ये 2 महीने के बाद मिलना चालू होता है। लेकिन उसके नीचे आप देखिए सुपर साइनिंग जैक रॉयल्टी, ये सुपर साइनिंग जैक रॉयल्टी 4% ओनली फॉर सुपर साइनिंग। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के टर्नओवर का 4% पैसा निकाला जाता है और सिर्फ सुपर साइनिंग के लोगों के ऊपर ही बांटा जाता है ना, और ये लगभग 2300 रुपये अप्रोक्स बनता है। और ट्रेनर फंड 4%, ये भी ओनली फॉर सुपर साइनिंग है और ये 4500 के आसपास बनता है। तो दोस्तों जैक रॉयल्टी, सुपर साइनिंग जैक रॉयल्टी और ट्रेनर फंड, ये दो इनकम जो है ये आपको फर्स्ट मंथ 1 महीने के बाद से ही मिलना चालू होता है। सिर्फ ट्रेवलिंग फंड जो है वो 2 महीना मेंटेन करने के बाद 3रे महीने से मिलता है। तो ये पूरा कैलकुलेट करके जो अप्रोक्स है ये लगभग 15,000 के आसपास का इनकम यहाँ पे आप ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है उस महीने कंपनी का टर्नओवर क्या और फंड कितना बना है और आपके नीचे बिजनेस का ग्रोथ क्या है, नीचे कौन कौन से लेवल क्वालिफाई किए हैं। तो ये देखा जाए तो ये 15,000 के आसपास का एक इनकम यहाँ पे आसानी से सुपर साइनिंग वाले लोग कमा लेते हैं, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार में आपका एक टीम में 1,35,000 और दूसरे टीम में 90,000 BV होना चाहिए। तो ये जब आप कर लेते हैं और 2,000 पर्सनल BV कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे शूटिंग स्टार के लेवल पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपका प्रॉफिट लेवल 33% हो जाता है। तो साइनिंग स्टार का 31 था और शूटिंग स्टार का 33%, तो 2% का यहाँ पे डिफरेंशियल इनकम आपको मिलता है। के देखें तो परफॉर्मेंस बोनस 2,000 पर्सनल BV का 33%, डिफरेंस इनकम नीचे 1,35,000 और 90,000, 2,25,000 का यहाँ पे आपको 2%, लीडरशिप बोनस 15%, ट्रेवलिंग फंड 3% और एक नया फंड यहाँ पे ऐड हो जाता है कार फंड, कंपनी टर्नओवर का 2% और यहाँ पे शूटिंग जैक रॉयल्टी 2% और ट्रेनर फंड 2%। इसको मोटा मोटी कैलकुलेट अगर आप करेंगे तो ये 30,000 से 40,000 के बीच का एक इनकम यहाँ पे जनरेट होता है शूटिंग स्टार के लेवल पे, है ना। शूटिंग स्टार पे आप 30,000 से 40,000 रुपया कमा सकते हैं और बहुत सारे लोग अपने पे आउट भी डालते हैं। मैं देखता हूं कि आराम से 30,000, 32,000, 35,000, 40,000 रुपया लोग यहाँ पे ले रहे हैं बहुत आसानी से। तो एक बहुत अच्छा इनकम यहाँ पे है। दोस्तों मैं एक चीज और आपको बता देना चाहूंगा कि यहाँ पे आप जिस लेवल पे एक बार आप पहुंच जाते हैं, सपोज अगर आप शूटिंग स्टार के लेवल पे पहुंच गए और आपका लेवल 33% हो गया और किसी वजह से
अगले महीना आपका लेवल डाउन होके आपने साइनिंग मेंटेन किया, तो साइनिंग का लेवल कितना है 31 और शूटिंग का लेवल 33। तो आप एक बार शूटिंग अचीव कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप साइनिंग पे भी आ जाते हैं या फ्यूचर स्टार पे भी आ जाते हैं, तो आपका जो प्रॉफिट लेवल है वो 33% से नीचे डाउन नहीं होगा। मतलब किसी भी लेवल को आप एक बार क्वालिफाई कर लिए, एक बार अचीव कर लिए, उसके बाद आगे अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो आपका जो प्रॉफिट लेवल है वो आपका बरकरार रहता है, वो लेवल पे आप टिके रहते हैं और उतना आपको पर्सनल बीवी का बेनिफिट या डिफरेंस टीम के डिफरेंस का बेनिफिट आपको मिलता है। तो एक बहुत बड़ा इनकम है और बहुत बढ़िया कंपनी ने आपको एक फैसिलिटी दिया है कि आप एक बार लेवल को अचीव करते हैं तो आपका लेवल डाउन नहीं होता है। दूसरा, यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं कि जैसे साइनिंग स्टार का ही बात करें, एक एग्जांपल के तौर पे आपने 1100 पर्सनल बीवी किया और दो टीम में 35-35 हज़ार बीवी किया। सपोज ऐसा हो गया कि एक महीना एक टीम से आपका 35 हज़ार आ गया और दूसरे टीम से आपका 30 हज़ार आया या 32 हज़ार आया, कुछ कम हो गया, तो फिर क्या करेंगे आप? तो जितना कम हो गया, सपोज दूसरे टीम से आपका 30 हज़ार बीवी आया, 5 हज़ार कम हो गया, तो ये 5 हज़ार बीवी आप अपने पर्सनल आईडी पे डाल के भी सेकेंड लेग को मेंटेन कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि दूसरे लेग में जो बीवी कम आता है वो बीवी को आप पर्सनल आईडी पे भी डाल के दूसरे लेग को मेंटेन कर सकते हैं। यानी कि कंपनी का सोच है कि जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है, अगर टीम में किसी वजह से कोई टीम में कोई आदमी बिजी हो गया या किसी के घर में कोई इमरजेंसी आ गया और वो बिजनेस नहीं टाल पाया, कुछ बिजनेस कम पड़ गया, तो हम लोग का सोचना ये है कि उसका लेवल ना छूटे। तो उतना बिजनेस अगर आपने पर्सनल सेल किया और आपके पास बीवी पड़े हैं तो आप पर्सनल में डाल के अपना सेकेंड लेग को मेंटेन कर सकते हैं किसी भी लेवल पे। तो ये फैसिलिटी यहाँ पे है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वेगा स्टार। वेगा स्टार में एक टीम में 3,60,000 और दूसरे टीम में 2,40,000। इसमें पूरे डिटेल्स आप देख रहे हैं। यहाँ पे एक नया फंड आपका ऐड हो जाता है, स्वीट होम फंड 2% और साथ में वेगा स्टार जैक रॉयल्टी 1% और वेगा स्टार वॉरियर रॉयल्टी 1%। यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट लेवल है वो 34.5% हो जाता है और अप्रोक्स इनकम 60 से 80 हज़ार रुपया यहाँ पे आप मंथली कमा सकते हैं इस लेवल को मेंटेन करके। आगे बढ़ते हैं स्कॉर्पियन स्टार। इसको अचीव इस लेवल को लेने के लिए आपको एक टीम में 9 लाख और दूसरे टीम में आपको 6 लाख बीवी का बिजनेस करना होता है। ये जब आप करते हैं तो आपका प्रॉफिट लेवल यहाँ पे 36% हो जाता है और यहाँ पे आपको एक नया फंड स्कॉर्पियन स्टार फंड, स्कॉर्पियन स्टार जैक रॉयल्टी और स्कॉर्पियन स्टार वॉरियर रॉयल्टी 1%। तो ये तीन फंड यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलते हैं और यहाँ पे टोटल इनकम का बात करें तो ये सारा कैलकुलेट करके अप्रोक्स 1 से 1.5 लाख रुपया यहाँ पे बहुत आसानी से आप कमा सकते हैं। आगे बढ़े, रीगल स्टार 37% होता है। यहाँ इस लेवल को लेने के लिए आपको एक टीम से 18 लाख बीवी और दूसरे टीम से 12 लाख बीवी करने होते हैं। ये जब आप करते हैं तो आपका प्रॉफिट लेवल 37% और यहाँ पे आपको एक रीगल स्टार रॉयल्टी 1% और रीगल स्टार वॉरियर रॉयल्टी 1% ये आपका ऐड हो जाता है इस इनकम में। और यहाँ पे जो इनकम आपको आता है लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए के आसपास का इनकम आप ले सकते हैं। और यूनिवर्सल स्टार है, उसके बाद 25 लाख और 25 लाख दोनों टीम में 25 25 लाख बीवी का बिजनेस होना चाहिए, पर्सनल 2,000 होना चाहिए। यहाँ पे आपका लेवल 38% होता है, यहाँ पे आपका एक यूनिवर्सल स्टार रॉयल्टी 1% ऐड हो जाता है और यूनिवर्सल स्टार वॉरियर रॉयल्टी भी 1% ऐड हो जाता है। यहाँ पे लगभग 3 से 5 लाख रुपए के आसपास का इनकम आप बहुत आसानी से कमा सकते हैं। और इसके बाद लियो स्टार है, 39% का लेवल हो जाता है इसमें, इसमें 37.5 लाख बीवी एक टीम में और 37.5 लाख बीवी दूसरे टीम में आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका लियो स्टार जब आप करते हैं तो यहाँ पे वॉरियर रॉयल्टी और लियो स्टार का आपको यहाँ पे एक 1% का रॉयल्टी भी ऐड हो जाता है और यहाँ पे लगभग एवरेज एक इनकम जो निकलता है वो 7 से 9 लाख रुपए के बीच का इनकम निकलता है। तो लियो स्टार पे आप इतना पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें ग्लोबल स्टार, ये कंपनी का टॉप लेवल है ग्लोबल स्टार और यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट लेवल है वो 40% हो जाता है। दोस्तों इस लेवल के लिए आपको 50-50 लाख दोनों लेग से आपका बिजनेस, दो टीम से आपका बिजनेस 50 लाख और 50 लाख होना चाहिए, पर्सनल 2,000 होना चाहिए। यहाँ पे लेवल आपका 40% हो जाता है प्रॉफिट लेवल। और एक बार आप ग्लोबल स्टार बन जाते हैं उसके बाद अगर किसी वजह से किसी महीना अगर बिजनेस थोड़ा डाउन भी होता है, नीचे के लेवल भी अगर आप मेंटेन करते हैं तो ये 40% का जो लेवल है ये आपके लिए बरकरार रहता है। पूरे टीम से आप 40% का प्रॉफिट लेवल प्रॉफिट आप ले सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको एक लियो स्टार का वॉरियर रॉयल्टी, सॉरी ग्लोबल स्टार का वॉरियर रॉयल्टी और ग्लोबल स्टार रॉयल्टी ये 1% और 0.5% ये एक फंड ऐड हो जाता है। और यहाँ पे ये टोटल अगर आप इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो ये 10 से 15 लाख रुपए के बीच का इनकम यहाँ से कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं, अभी वेदालिक्स में
दो लोग ग्लोबल स्टार हैं, और जब भी वो ग्लोबल स्टार बने थे उनका इनकम 15 लाख प्लस था। हम जरूर यहाँ पे 10 से 15 लाख का एक एवरेज कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं, लेकिन 15 लाख प्लस का इनकम वो लोग यहाँ पे लिए हैं। तो एक बहुत बड़ा इनकम यहाँ पे आप ग्लोबल बन के कमा सकते हैं, और ग्लोबल बनने के बाद ही हमारा हाईएस्ट लेवल है, हमारा लास्ट लेवल है। उसके बाद जैसे जैसे आपका टर्नओवर बड़ा होता चला जाता है, आपका बिजनेस बड़ा होता चला जाता है, उसके हिसाब से आपके सारे फंड, लीडरशिप बोनस, परफॉर्मेंस बोनस, ये सभी बढ़ता चला जाता है, और ये जो इनकम है ये इनकम इससे भी ज्यादा आपका बढ़ सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप बिजनेस को कितना बड़ा लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों यहां तक हमारा लेवल था, लेकिन इसके बाद और भी कुछ इनकम है जो मैं आगे आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले एक ऑफर का मैं बात करूं कि अभी कंपनी के तरफ से आपको एक विदेश घूमने का मौका दिया जा रहा है, थाईलैंड इंटरनेशनल ट्रिप 2024 ऑफर निकला हुआ है। 4 दिन 3 रात के लिए थाईलैंड जाने का आपको एक मौका मिलेगा, फ्री में आप विदेश टूर कर सकते हैं, और इसका जो वैलिडिटी है ये ऑफर वैलिड है जुलाई 2024 से जून 2025 तक। 1 साल के लिए ऑफर है, जुलाई से शुरू हो चुका है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीना पार हो चुका है, अभी आपके पास 9 महीना आपके हाथ में इस ऑफर को अचीव करने के लिए। तो इस ऑफर को आप कैसे अचीव करेंगे, है ना, इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। तो दोस्तों थाईलैंड जाने के लिए आप यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन का एक कैलकुलेशन डाला है, जैसे कि अगर आपका लेवल सुपर साइनिंग है या उससे नीचे है, आपका लेवल सुपर साइनिंग है या उससे नीचे है, तो आपको टोटल 12 महीने में 95 पॉइंट करने होते हैं, 12 महीने में 95 पॉइंट। लेकिन अगर आपका लेवल जुलाई से पहले शूटिंग स्टार था तो 140 पॉइंट, जुलाई से पहले वेगा स्टार था तो 175 पॉइंट। अगर आप सुपर साइनिंग स्टार या उससे नीचे के लेवल पे हैं तो आप याद रखिए आपको टोटल 95 पॉइंट करने हैं। कब तक करने हैं? जून 2025 तक, है ना, 1 साल के अंदर, 3 महीना पार हो चुका है। अगर आपने कुछ पॉइंट बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात, और नहीं बनाए तो आपको 95 पॉइंट बनाने हैं। अब ये पॉइंट कैसे मिलेंगे दोस्तों, ये पॉइंट कैसे मिलेंगे, जैसे कि मान लीजिए अक्टूबर के महीने में, ये अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर के महीने में किसी ने सुपर साइनिंग स्टार का लेवल लिया या मेंटेन किया, तो इस महीना आपको 7 पॉइंट मिलेंगे, इस महीना आपको 7 पॉइंट मिलेंगे। नवंबर में आपने फिर सुपर साइनिंग स्टार को मेंटेन कर लिया, फिर आपको 7 पॉइंट, यानी कि जिस जिस महीना आप सुपर साइनिंग स्टार को मेंटेन करते रहेंगे उस महीना आपको 7-7 पॉइंट मिलते रहेंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति सुपर साइनिंग बना अक्टूबर में और नवंबर में वो शूटिंग स्टार बन गया, तो अक्टूबर में सुपर साइनिंग का 7 पॉइंट और नवंबर में जैसे वो शूटिंग स्टार बनता है नवंबर में उसको 10 पॉइंट मिलेंगे, और जब जब वो शूटिंग स्टार को मेंटेन करता रहेगा उसको 10-10 पॉइंट मिलेंगे। और मान लेते हैं कि 4 महीने के बाद उसने 5वें महीने में वेगा स्टार निकाल दिया, तो वेगा स्टार निकालते ही वेगा स्टार का पॉइंट आप देखिए 20 पॉइंट है, तो वेगा स्टार का उसका 20 पॉइंट उस महीने जुड़ जाएगा। तो ऐसे पॉइंट आपको मिलते रहेंगे, और ये पूरा पॉइंट जो है वो 95 होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई महीना कोई लीडर जो है वो सिर्फ 5 महीना वेगा स्टार क्वालिफाई करता है, 5 महीना, तो 1 महीने पे उसको 20 पॉइंट मिलता है, तो 5 महीने में उसके टोटल 100 पॉइंट हो गए, यानी कि 5 महीना वेगा स्टार करके भी 100 पॉइंट कर लेता है, यानी 95 पॉइंट उसका अचीव हो जाता है और वो थाईलैंड टूर क्वालिफाई कर जाता है। तो ये है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सर मैं टीम नहीं बना पाता हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं प्रोडक्ट खुद खूब बेचता हूं, मैं रिटेलर हूं, मैं ढेर सारा प्रोडक्ट बेचता हूं, लेकिन मैं टीम नहीं बना सकता, ये लेवल लेना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, तो मेरे लिए क्या है। तो ऐसे जो रिटेलर होते हैं, कंपनी ने उनको कहा कि अगर आप जुलाई से जून 12 महीने के अंदर 3,75,000 पर्सनल बीवी कर लेते हैं, 3,75,000 पर्सनल बीवी अगर आप कर लेते हैं तो आपको भी थाईलैंड टूर मिल जाएगा, आपको पॉइंट करने की जरूरत नहीं है। 3,75,000 पर्सनल बीवी का भी आप प्रोडक्ट सेल कर लेते हैं अपने आईडी पे तो आपको ये थाईलैंड टूर मिलता है। कुछ लोगों का ये कहना है कि सर मैं तो जा रहा हूं, मैं अपनी वाइफ को ले जाना चाहता हूं, मैं अपने स्पाउस को ले जाना चाहता हूं, उसके लिए क्या करना होगा। तो दोस्तों जो भी पॉइंट यहां पे दिए गए हैं, अगर आप डबल पॉइंट कर लेते हैं तो आपका डबल क्वालिफिकेशन हो जाता है ना, 95 के जगह अगर आप एक किसी में 5 पॉइंट है, किसी में 6 है, किसी में 7 है, किसी में 8 है, 10 पॉइंट तक आपको मिलता है प्रोडक्ट के ऊपर पीवी। तो ये पीवी जो है इस प्रोडक्ट पे मिलता है, तो आपके टीम में जो भी प्रीमियम प्रोडक्ट बिकते हैं उस प्रीमियम प्रोडक्ट का पीवी बीवी के साथ पीवी भी आपको कैलकुलेट होता चला जाता है। तो इस इनकम को लेने के लिए आपको करना क्या होता है, इस इनकम को लेने के लिए आपके दो टीम में 4 लोगों को आपको रेफर करना होता है। रेफर का मतलब क्या हुआ कि आप 2 लोगों को ज्वाइन कराए, रेफर आपने खुद को किया, स्पॉन्सर भी खुद को किया, तो आपके 2 डायरेक्ट लोग ज्वाइन कर गए, है ना।
लेकिन दो के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, उसके बाद जितने लोगों को आप ज्वाइन कराएंगे रेफर बाय यू, है ना, जैसे कि मैं मान लीजिए कि मैं किसी को ज्वाइन कराया दूसरे के बाद तीसरा आदमी को, तो रेफर बाय मी हो जाएगा, मैंने रेफर किया, और स्पॉन्सर बाय इसके नीचे या इसके नीचे, दोनों टीम में किसी के नीचे डाल दूंगा, जिसके नीचे डालना है उसका स्पॉन्सर होगा, और जिसने लेके आया, जैसे मैं लेके आया तो मेरा रेफर होगा, तो आपको चार लोगों को रेफर करना होगा। अब जैसे चार लोग दो ही लेग में होंगे या एक ही लेग में होंगे, तो ये दो लेग के नीचे जब चार लोग आएंगे, ये चार लोग भी अपना अपना टीम बनाएंगे। जब ये चार लोग अपना अपना टीम बनाएंगे, तो किसी के टीम में 100 लोग होंगे, किसी के टीम में 200 लोग, 500, ऐसे लोग हो जाएंगे, तो उनके टीम में कहीं भी कोई भी एक प्रीमियम प्रोडक्ट बिकता है,